स्प्राउट चाट बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ खड़े अनाज लिए थे, उनको भिगो दिया है। खड़ी मूंग, मेथी, चना, सोयाबीन, मूंगफली के दाने और उसी के साथ हमने बादाम को भी भिगो दिया था। और गर्मियों में स्प्राउट होने में 1 से 2 दिन लगता है और सर्दियों में 4 से 5 दिन लगते हैं। अंकुरित अनाज का नाश्ता की वीडियो हमने एक और बना रखी है, उसको हम वीडियो के नीचे दे देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने धो लिया है और एक बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ और चीज़ें ली हैं। एक टमाटर को लिया है, उसका बीज हमने हटा दिया है और ऊपर की जो स्किन है उसको काट लिया है। एक गाजर को भी बारीक बारीक टुकड़ों में काटा है। कुछ पुदीने की पत्ती है, उसको भी हमने काट लिया है। और एक टुकड़ा अदरक का है, उसको पतले पतले काट लिया है। और 2 हरी मिर्च है, उसको भी हमने काट लिया है। 1 नींबू लेंगे, उसका रस हम डालेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ ट्विस्ट दिया है, आजकल आंवला आ रहा है, उसको हम घिस कर डालेंगे। आप चाहें तो डालें, पसंद करते हो तो डालें, नहीं पसंद करते हो तो ना डालें। अब इन सभी चीज़ों को इसमें मिला देते हैं। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं और आंवले को ग्रेट करके डाल देंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आप लाइक करते हो तो डालें, नहीं लाइक करते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। नींबू का रस, भुना हुआ जीरा, काला नमक, काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, सादा नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इसे सर्व करते हैं। जैसे मार्केट में मिलता है दोने में देते हैं, उसी तरह से हम सर्व करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप करें तो अच्छा लगेगा। और पत्ते पे हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। और सर्व करते समय आप इस ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें तो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप इसे अपने खाने में और ब्रेकफास्ट में या ऐसे भी नाश्ते में आप इसे अपने खाने में इसे शामिल करें, बहुत ही हेल्दी होता है।